गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम ये पढ़ रहे थे कि ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, जिसमें मेन ऑर्गन लंग्स होते हैं और किस तरह से वो अलग अलग स्टेप्स हैं जिससे कि होके रेस्पिरेशन होता है। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, पेज 270। आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है? ब्रीदिंग का मैकेनिज्म का मतलब ये है कि हमें यह जानना है कि एयर अंदर कैसे जाती है और एयर बाहर कैसे आती है ना, जिसको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कहते हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था कि हमारा जो थोरैकिक चैम्बर है, थोरैकिक चैम्बर यानी कि वो चैम्बर जिसमें कि लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये एक एयर टाइट चैम्बर है जिसमें कि नीचे का जो एक्सट्रीमिटी है यानी कि नीचे वाली जो लाइनिंग है वो कौन बनाता है, वो डायफ्राम बनाता है। नीचे की लाइनिंग बनाता है डायफ्राम, ठीक है। इसके अलावा इसमें पीछे की साइड प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। आगे की साइड प्रेजेंट होता है इसमें रिब केज, है ना, रिब्स। और आगे की साइड क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लैट बोन प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं स्टर्नम। इन सब से मिलके क्या बनता है, इन सब से मिलके एक क्लोज्ड चेंबर बनता है, उस चेंबर को कहते हैं थोरैकिक चेंबर और वो एयर टाइट चेंबर है। और एयर टाइट चेंबर होने से क्या होता है, देखो सबसे नीचे प्रेजेंट होता है डायफ्राम। इस डायफ्राम को जब मसल्स नीचे की साइड मूव करती हैं तो ये जो थोरैकिक चेंबर है जो इसके ऊपर प्रेजेंट है, यहां पर रिब्स और स्टर्नम है, पीछे की तरफ प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम। तो जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये इसके अंदर क्रिएट होगा एक लो प्रेशर एरिया, है ना, क्योंकि वॉल्यूम तो उतनी है तो इसके अंदर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और ऊपर से जो विंड पाइप के थ्रू एयर आ रही है वो अंदर की तरफ रश करने की कोशिश करेगी, अंदर की तरफ घुसने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से एयर अंदर आती है जिसको इंस्पिरेशन कहते हैं। अब ये तो थोरैकिक वॉल्यूम है या थोरैकिक चैम्बर की वॉल्यूम है, इसके इंक्रीज होने में डायफ्राम के मूवमेंट के अलावा एक और चीज का मूवमेंट होता है, वो क्या है, रिब्स का और स्टर्नम का मूवमेंट, है ना। वर्टिब्रल कॉलम तो फिक्स है, स्टर्नम और रिब्स जो है उनकी मूवमेंट की वजह से इस डायरेक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज होती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती है। एक्सपिरेशन के समय डिक्रीज होती है, इंस्पिरेशन के समय इंक्रीज होती है। उसी तरह से इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं, उनकी मूवमेंट की वजह से डायफ्राम की ऊपर और नीचे मूवमेंट होती है जिससे थोरैकिक वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होती है। अब ये वाला जो एक्सिस होता है इसको कहते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। इस वाले एक्सिस को कहते हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। इस एक्सिस में वॉल्यूम अगर चेंज होती है तो इसको क्या कहेंगे, डॉर्सो वेंट्रल, क्योंकि जिस साइड हमारी स्टर्नम यानी ये साइड होती है इसको कहते हैं वेंट्रल साइड, और जिस साइड वर्टिब्रल कॉलम होती है उसको कहते हैं डॉर्सल साइड। अब ये एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस जो होता है ये क्या है, एंटीरियर एंड जिधर हमारा हेड होता है और पोस्टीरियर एंड जिधर हमारी लेग्स होती है, तो इस एक्सिस में अगर चेंज होता है तो इस एक्सिस को क्या कहते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। चाहे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस हो और चाहे वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस हो, दोनों साइड में वॉल्यूम के इंक्रीज या डिक्रीज होने में इन स्ट्रक्चर्स का रोल होता है, क्योंकि इन्हीं से बनता है हमारा ये थोरैकिक वॉल्यूम या थोरैकिक चेंबर। अब देखो कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस में, इनको ऊपर या नीचे मूव कराने में, उनका नाम दिया हुआ है पेज 270 पर नीचे से फिफ्थ लाइन, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल। ये मसल्स का नाम इंपॉर्टेंट है, वो पूछ भी सकते हैं कि कौन सी वो मसल्स होती है जो कि क्या करती है, इन स्ट्रक्चर्स को मूव कराती है।
तो स्टर्नम और रिब्स बाहर की तरफ मूव करते हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है, जिससे कि थोरैकिक वॉल्यूम में इंक्रीज होता है और एयर अंदर रश करती है। अब इसका वाइस वर्सा तब होता है जबकि वो एक्सपीरेशन है, यानी कि डायफ्राम ऊपर मूव करेगा और ये रिब्स और ये स्टर्नम पीछे की तरफ मूव करेंगे। एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर विच फोर्सेज द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन टू द लंग, दैट इज इंस्पिरेशन। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजिशन एंड रिड्यूस द थोरैकिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमोस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर लंग्स एक्सपीरेशन। तो इस तरह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन होता है कि जिस समय ये फिर से रिलैक्स पोजीशन में आ जाते हैं रिब्स स्टर्नम और हमारा डायफ्राम, तो उस समय प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से स्लाइटली हाई हो जाता है जिस वजह से एयर बाहर की तरफ रश करती है। इसके बाद वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। तो ऐसा तुमने देखा भी हो कि जब हम जोर जोर से सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो हमारे पेट की मसल भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तो वही इन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग लगभग कितनी बार सांस लेता है, 12 से 16 बार एक मिनट, 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ये है हमारी ब्रीदिंग की रेट। ये ब्रीदिंग रेट है एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन बींग की। और कितनी एयर इसमें इन्वॉल्व होती है उसको कैसे पता लगाते हैं, यंत्र का नाम दिया है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर की मदद से डॉक्टर मुंह में लगाते हैं, पता लगाते हैं कि एक व्यक्ति एक बार में कितनी एयर की वॉल्यूम अंदर लेता है और कितनी एयर की वॉल्यूम अंदर बाहर छोड़ता है। उस डिवाइस को कहते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरो उससे आया कि ये रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज दी है, ये है नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम कैपेसिटीज, ये क्या हो, ये कुछ कैपेसिटीज और वॉल्यूम्स की डेफिनेशन है जो कि रेस्पिरेशन से जुड़ी हुई है। एक एक करके हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है कि एक बार में कितनी एयर एक्सपायर होती है, इंस्पायर या एक्सपायर होती है एक नॉर्मल रेस्पिरेशन में, यानी कि कितनी एयर हम नॉर्मली अंदर खींचते हैं कितनी हम बाहर छोड़ते हैं, लगभग कितनी है 500 ml होती है ये, 500 ml, ठीक है। तो एक व्यक्ति एक बार में कितनी बार सांस लेता है, 12 से 16 बार। तो अगर इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये पता लग जाएगा कि एक मिनट में एक व्यक्ति ने कितनी एयर अंदर ली और छोड़ी, तो ये कितनी हो गई, लगभग 8000 ml, या 8000 ml क्या होगी वॉल्यूम, कितनी एयर उसने एक मिनट में अंदर ली और बाहर छोड़ी। तो इसको क्या कह सकते हैं, 8 लीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इंस्पिरेशन से जुड़ी हुई जो रिजर्व वॉल्यूम है उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV कहते हैं। या रिजर्व का मतलब क्या है, अतिरिक्त, हम अतिरिक्त प्रयास करने पर इंस्पिरेशन यानी कि अंदर कितनी एक्स्ट्रा एयर अंदर खींच सकते हैं, जोर लगाने पर हम कितनी ज्यादा एयर अंदर खींच सकते हैं टाइडल वॉल्यूम के अलावा, उसको कहते हैं IRV। तो IRV की डेफिनेशन क्या लिखी, की क्या लिखी, 2500 से 3000 ml तक हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 2500 से 3000 ml हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन से। तो यहां मैं लिख देता हूं नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, उसमें जो वॉल्यूम इन्वॉल्व होती है उसको तो कहते हैं टाइडल वॉल्यूम,
ठीक है, और ये वाली जो वॉल्यूम है इसको हम कहेंगे फोर्सफुल इंस्पिरेशन, फोर्सफुल इंस्पिरेशन। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग जिसका नाम है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं इसे, और इसमें भी सेम कंसेप्ट है कि अगर हम अतिरिक्त प्रयास लगाएं तो बाहर कितनी एयर एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं उसे कहते हैं ईआरवी। इसकी वैल्यू देखो कितनी लिखी है, 1000 से 1100 ml इसकी वैल्यू है, 1000 से 1100 ml इसकी वैल्यू है। ये क्या हुआ, फोर्सफुल एक्सपिरेशन। इसके बाद अगली हेडिंग है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। अब रेसिड्यूअल वॉल्यूम का मतलब वो वॉल्यूम है जो कि हमने क्या किया कि एक फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी हम उसे बाहर नहीं छोड़ सकते, वो अंदर ही रह जाती है। क्योंकि जब हम सांस पूरी तरह से बाहर छोड़ते हैं फोर्सफुल एक्सपिरेशन से, तब अंदर वैक्यूम तो बन नहीं जाता, कुछ एयर तो तब भी अंदर रह जाती है, उसको कहते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। और रेसिड्यूअल वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml, 1100 से 1200 ml। तो इसके आगे लिख देते हैं रिमेन्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी जो एयर रह जाएगी उसको हम कहेंगे रेसिड्यूअल वॉल्यूम। अब आता है बाय एडिंग अप अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन डेराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज विच कैन बी यूज इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो डॉक्टर्स क्लिनिकल डायग्नोसिस में यानी कि बीमारियों के पता लगाने में जिन वॉल्यूम्स को या डेफिनेशन को यूज करते हैं उनके बारे में आगे दिया है। सबसे पहले आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति एक बार में कितनी एयर मैक्सिमम अंदर ले सकता है, उसमें टाइडल वॉल्यूम भी आ जाएगी जो कि वो नॉर्मली लेता ही है, और इसके अलावा फोर्सफुल इंस्पिरेशन से जितनी ले सकता है वो भी आ जाएगी। तो ये क्या होगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक बार में वो कितनी एयर अधिक से अधिक अंदर ले सकता है। ठीक है, इसके बाद आती है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है कि एक व्यक्ति अधिकतम कितनी एयर एक्सपायर कर सकता है, उसमें क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ईआरवी, टीवी प्लस ईआरवी। तो ये भी इन्होंने यहां पर दिया। इसके बाद आता है फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी, अब ये क्या चीज है, इसका मतलब यह है कि नॉर्मली कितनी एयर हमारे अंदर रह जाती है, फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी कितनी एयर हमारे अंदर रह जाती है। अब जैसे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, ये तो वो है जिसको फोर्सफुल एक्सपिरेशन से हम बाहर छोड़ते हैं, नॉर्मली तो नहीं छोड़ते। तो नॉर्मली तो ये वाली जो वॉल्यूम है ये हमारे अंदर ही रहती है, इसके अलावा एक वॉल्यूम हमारे अंदर और रह जाती है, वो कौन सी होती है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। ठीक है, तो ईआरवी प्लस आरवी ये क्या हो गया, ये हो गया फंक्शनल रेसिड्यूअल कैपेसिटी। क्योंकि हम कितनी भी एक्सपिरेशन करें फोर्सफुली कितनी वॉल्यूम हमारे अंदर रह जाती है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम, तो इसको इसमें जोड़ लिया है ना, और जो हम फोर्सफुली छोड़ रहे थे नॉर्मली नहीं छोड़ रहे थे उसको भी इसमें जोड़ लिया। तो नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं फोर्सफुल नहीं लेते तो इतनी हमारे अंदर वॉल्यूम रह जाती है। इसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी, नेक्स्ट हेडिंग इज वाइटल कैपेसिटी। ये वाइटल कैपेसिटी क्या है, देखो वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन है,
मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपीरेशन. हमने फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया है ना, यानी कि एक्स्ट्रा जो ईआर हुई थी वो भी निकाल दी. अब हम अधिक प्रयास करके कितनी एयर अंदर ले सकते हैं वो क्या होगी. सबसे पहले तो हम लेंगे टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मली लेते हैं. इसके अलावा अतिरिक्त प्रयास करके इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और साथ में जो ईआर भी हमने अतिरिक्त प्रयास से बाहर छोड़ी थी वो वॉल्यूम भी अंदर आएगी. तो ये तीन वॉल्यूम जुड़ने से क्या बनता है, वाइटल कैपेसिटी बनता है कि हम अधिक से अधिक कितनी एयर अंदर ले सकते हैं एक फोर्सफुल एक्सपीरेशन के बाद, उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी. अब आता है टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी का क्या मतलब है. इसका मतलब यह है कि लंग की कितनी, लंग में वॉल्यूम कितनी है, कैपेसिटी कितनी है. तो लंग की वॉल्यूम तो वो हुई कि जितनी हम फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं प्लस जितनी फोर्सफुली बाहर छोड़ी थी प्लस नॉर्मली जितनी लेते हैं और इसके अलावा जितनी इन सब के बाद भी बच जाती है, यानी कि रेसिड्यूअल वॉल्यूम. तो इन सब को ऐड करो प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम. इन सब को ऐड करने पे क्या बनता है, वाइटल कैपेसिटी. तो यहां हम लिख सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूअल वॉल्यूम. तो ये किसकी डेफिनेशन हुई, टोटल लंग कैपेसिटी की डेफिनेशन हुई. तो इस तरह से ये अलग अलग हेडिंग्स और टर्म्स हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है. ठीक है, इन सबको सबको याद रखना है. साथ में शुरू वाली जो दी है उनकी कुछ वैल्यूज भी दी है, ये वैल्यूज भी याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में वो वैल्यूज भी पूछ लेते हैं. तो नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे और किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का वो पढ़ेंगे. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम पार्शियल प्रेशर वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे और ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे. ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम आरबीसी, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं गैसेस को, वो सब पढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू.